स्वागत है। पूर्व संध्या, दांव पर बहुत कुछ लगा है। बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे वो वचन पत्र कहती है, कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे वो उन्नति विधान पत्र कहती है, इन तीनों के घोषणा पत्र में आकलन करिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु प्राथमिकता पर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के पूर्व संध्या के दिन इसका आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों के एजेंडे पर किसान है। किसान, बीजेपी कहती है आलू प्याज टमाटर इनको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, बीजेपी का दावा। सपा का दावा, सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, सभी फसलों पर 4 साल के भीतर किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा, यानी 2025 तक कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा किसानों को। किसान आंदोलन में मारे गए, जिसे अब राजनीतिक दल शहीद कहते हैं, उन मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, किसान स्मारक बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस दावा कर रही है कि किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा और 10 दिनों के भीतर यह कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यानी हर किसी के एजेंडे पर किसान है, किसान अन्नदाता। और ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करूं, जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, वहां कुल मिलाकर 11 जिले हैं, 11 जिले और 58 सीटों पर यह चुनाव होना है, और 623 प्रत्याशी इन 58 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी, किसका लहराएगा पश्चिम में परचम, और यूपी में आरंभ है प्रचंड है, तो प्रचंड आरंभ और उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में क्या किसानों की राजनीति का असर, किसान की जो समीकरण है जिसका हम बात कर रहे हैं, किसानों की राजनीति का समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर असर डालेगा, किसानों का सियासी स्टैंड क्या होगा, और आंदोलन खत्म और राजनीति चालू, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होंगे जो मेहमान, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं बीजेपी के तरफ से संजय त्यागी, जो कि पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। साथ ही अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन आज एक खास मेहमान को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वो है हमारे मित्र भी चौधरी सबित मलिक साहब, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, किसान नेता हैं। और आज बात मैं एक बार फिर से किसानों और किसानों की करूंगा, सीधा रुख करेंगे सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ। संजय त्यागी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे इस चर्चा की शुरुआत, माफी चाहूंगा उन लोगों का, दिल तोड़ दिया मैंने जो आज इंतजार कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान पर डिबेट हो, लेकिन हमेशा की तरह मैं मजबूर हूं सर, मुझे आता नहीं वो डिबेट करना, वो हिंदू है हिंदू मुसलमान है, वो जाट है वो मुसलमान है, लड़ा दो टकरा दो भिड़ा दो, वो उसके लिए माफी चाहूंगा, जो उम्मीद लगाए बैठे थे मैं उस पर चर्चा नहीं करता। तो संजय त्यागी जी, शुरुआत आपसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहला चरण का चुनाव, तैयार है बीजेपी? सर अनम्यूट कर लीजिए जी। सर देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अभी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब से सत्ता से में आई थी तब से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल ओवर पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुशासन 100% लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की जनता को दिया गया, उसके लिए हम 100%
हमें उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जागरूक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे किसान, नौजवान, मजदूर पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ एक ही नारा है उनका। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 30 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं, जो कि प्रदेश में कभी नहीं होता था। रही बात किसानों की, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, छोटे बड़े सभी किसानों को, जैसा कि आपने हमारे घोषणा पत्र में भी देखा है, बिजली फ्री करने का काम किया, किसानों की फसलों के बीमा देने का काम किया, किसानों की गन्ना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ना बेल्ट मानी जाती है, 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया, और किसानों को पहली बार इस देश में किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए सालाना देने का काम किया। आप यकीन जानेंगे, जिन सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, 58 सीटें हैं, 53 भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपक्षी कहीं किसी भ्रम में ही ना रह जाए, क्योंकि जो गठबंधन और जो ठगबंधन, बल्कि गठबंधन आप लोग कहते हो, हम तो इसको और प्रदेश की जनता इसको ठगबंधन के रूप में जानती है। मैं अच्छा। कहना केवल ये चाहूंगा जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, इस गठबंधन पर, जिस गठबंधन के दम पर ये ऐसा कह रहे हैं, ये गठबंधन उस वक्त कहां था, मुजफ्फरनगर में जब कवाल में नरसंहार हो रहा था, सचिन गौरव की हत्या हुई थी, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, और सेफाई में बार बालाओं का डांस चल रहा था, तो ये गठबंधन में जो हमारे भाई हैं चावला जी, 2013 फिर से आ गया, एक मिनट सर, 2013 में चले जाते हैं बार बार मुजफ्फरनगर, अभी आ जाएंगे सर, मुजफ्फरनगर वाला वो वाली अभी बाद में। आपने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, तो मुझे दो तीन पहलू हैं उस पर क्लियर करिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। मैं चाहूंगा आप चौधरी सवित मलिक जी को जवाब दीजिए यहाँ से, ये बहुत बोलते हैं किसानों के लिए ये नहीं किया, किसानों के लिए वो नहीं किया। आप बताइए सर, आप कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे देंगे, सुनने में आया सवित मलिक जी इतना झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है, क्या मिलती है क्या? देखिए ऐसा है, आप या तो वर्तमान पे बात कीजिए या पिछली आप योजनाओं पे बात कीजिए। अगर हमने बिजली महंगी देने का काम किया तो लोड, आप ही मुजफ्फरनगर की बात करते, मैं तो किसानों की बिजली की बात कर रहा हूँ सर, आप ही कह रहे थे मुजफ्फरनगर, मैं कह रहा हूँ सर किसान चावला भाई, अगर मुझे बोलने, चावला भाई मैं कह तो रहा हूँ, आप किसान सम्मान निधि की बात क्यों नहीं करते? क्या किसी किसी सरकार ने इससे पूर्व में किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया था? आप जानते हैं मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, 6,000 रुपए एक सामान्य किसान के लिए कितने मायने रखते हैं, आप इस पर भी बात कीजिए ना। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं कि बिजली के विषय पर बात ना करूं मैं? नहीं, बिजली के विषय पर हमारे आगामी घोषणा पत्र में है ना कि अगर लगा कि ये चीज है तो हमने सभी छोटे बड़े और सभी मध्यम किसानों को बिजली फ्री का काम किया है। किसानों को अभी क्या क्या रेट पर बिजली मिल रही है सर? देखिए शहरी क्षेत्र में और ट्यूबवेल क्षेत्र में हमारे 1500 रुपए फिक्स एक चार्ज जा रहा है ट्यूबवेल का। अच्छा अच्छा, 1500 रुपए, ओके, पक्का सर जी? 1500 जी, मैं नोट कर लूं ना जी, 1500 बिल्कुल नोट कीजिए, मैं 1500 रुपए दे रहा हूँ, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, मेरे ट्यूबवेल का बिल 1500 रुपए आता है, 1500 रुपए आता है। अच्छा, अब मेरे को दूसरा पहलू और क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही पहलुओं पर फिर मैं सवित मलिक आपके पास आ रहा हूँ। ये 25 रुपए आपने जो गन्ने का रेट बढ़ाया, ये कब बढ़ाया सर? देखिए ऐसा है, जब जब आवश्यकता होती है, एक समीक्षा होती है, एक प्रोसेस होता है, आवश्यकता अनुसार हर चीज का। अब एकदम से देखिए, गन्ना क्या है, गन्ना गन्ने से चीनी बनती है, गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से बहुत सारे उत्पाद होते हैं। अब अगर गन्ने का रेट भी एक महंगाई को देखते हुए करा जाता है ना, तो ये विपक्षी रोना शुरू कर देंगे कि महंगाई कहाँ पहुंच गई। अभी अभी इसी प्रोग्राम में ये रोना शुरू करेंगे महंगाई का भी। सर मैं गन्ने पर निबंध नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य आपने बढ़ाया 25 रुपए, वो 4 साल के बाद बढ़ाया कि नहीं? जी, 4 साल बाद बढ़ाया ना आपने जी, कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है चावला भाई आप। नहीं तो फिर 4 साल बाद आपने बढ़ाया, आप कह रहे हो कि किसानों के ऊपर एहसान कर दिया आपने? नहीं, इसमें एहसान वाली क्या, मैंने अभी आपको बताया ना कि समीक्षा होती है, अगर कहीं से देश में पहली बार ये व्यवस्था लागू करी गई कि सीमांत छोटे बड़े सभी किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में दिया जा रहा है, तो वो भी
साबित मलिक जी, आप मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे कि आने दीजिए, अब चुनाव है, वोट की चोट देंगे, इतना सब कुछ कर रहे हैं बीजेपी वाले आपके लिए, आपने सुना, और आप इतना झूठ, इतनी अफवाह फैलाते हैं। आप कहते हैं कि इन्होंने ना तो हमें एमएसपी दी, इन्होंने हमें बिजली सबसे महंगी दी, आपने कहा कि हमें गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं मिला, 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ, ये तो कह रहे हैं हमने सब कुछ किया किसानों के लिए, अब भी कर रहे हैं। अब तो आपको आपको आलू पर, प्याज पर और टमाटर पर एमएसपी मिलेगी सर। त्यागी जी, तिलक चावला जी, माननीय त्यागी जी बड़े वरिष्ठ हैं और जानकार हैं, मैं इनसे दो चीजें छोटी पूछूंगा जो आपने पूछी थी। क्या त्यागी जी पिछले वर्ष का गन्ने का संपूर्ण भुगतान उत्तर प्रदेश में हो गया? जी नाम बताइए। ऐसा है भाई साहब, जी भाई साहब, क्या गन्ना मंत्री अपना खुद का भुगतान करवा पाए? क्या गन्ना मंत्री खुद का अपना भुगतान करवा पाए? बता दीजिए आप, दो दो छोटे सवाल आप बताइए, बताइए आप ही। देखिए ऐसा है जो जी, देखिए ऐसा है भाई जी, जो चीज प्रोसेस में होती है 100% कहीं कुछ नहीं होता। अभी 2 दिन पहले हम चावला भाई साहब के साथ डिबेट में बैठे थे, वहां पर मनरेगा के भुगतान को लेकर के बात थी, हर चीज प्रोसेस में होती नहीं है। आप कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, मनरेगा नहीं सुन रहा मैं, मैं गन्ने पे बात कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, मैं मनरेगा नहीं सुन रहा हूँ, किसानों का समय से भुगतान हो रहा है। मैं गन्ने पर बात कर रहा हूँ। 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे आप? जब 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे आप? बताइए इसका जवाब मंत्री पश्चिमी, अरे जो मंत्री अपना भुगतान नहीं करा सकता वो हमारा कहां से कराएगा? त्यागी जी, 10 फरवरी को मतदान के द्वारा मिल जाएगा इसका जवाब। त्यागी जी, जो गन्ना मंत्री अपना भुगतान नहीं करा सकता वो हमारा कहां से करा देगा? आप इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे थे जो भी चार्जशीट बना देंगे उससे भुगतान कराएंगे, तमाम ये जो घोषणा पत्र किया है इसमें नीचे, आप नीचे ध्यान से देखना, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा आपके संकल्प पत्र में चेतावनी, ये बाद में जुमला साबित हो सकता है, क्योंकि पिछला 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 कितना घोषणा पत्र पूरा किया वो बता दीजिए आप हमको, क्या किया उसमें मैं आपने? मैं बता तो रहा हूँ, 10 मार्च का इंतजार कीजिए और कल का भी इंतजार कीजिए, कल शाम को आने वाले सर्वे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान और किसान और मजदूर आपको आप इस सवाल का जवाब बखूबी दे देंगे। आप मुझे, अरे आपके पास कुछ है जवाब देने के लिए? पिछले 5 वर्ष में क्या किया? मैंने बताया ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की बात करते हैं, मजदूर आपको बखूबी जवाब दे देंगे, आप इंतजार कीजिए। आप दंगे की बात करते हैं, बातें करते हैं और किसान के लिए क्या किया? आपने किसान के लिए क्या किया? बातें मलिक साहब, कहां हमारा 10 रुपए बोनस गेहूं का खा गए? हमारा 10 रुपए बोनस करते तर्कों पर आधारित बात करते हैं, धान का बोनस खा गए। एक मिनट मुझे, हमारा बोनस खा गए हैं ये लोग, धान का और गेहूं का। तर्कहीन और तर्क संगत बातों का जवाब दिया जाता है चौ सर। ये रही बात जवाब दर्शक देख रहे हैं, जनता है, लोकतंत्र है, देश और प्रदेश के अंदर लोकतंत्र है, आपको जवाब मिल जाएगा। उसका हिसाब दे दीजिए, आप 70 साल का हिसाब मांगते हो, 70 साल का हिसाब मांगते हो, 5 साल का हिसाब दे दीजिए ना। सरित मलिक, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप शायद टीवी पर बैठकर सुनते नहीं, उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने टीवी पर बैठकर पूरे प्रदेश की जनता को अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देने का काम किया। आप जो सब शायद कहीं और रहते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, भारत के पहले मंत्री को सबसे ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड हुआ है, तो ये डिबेट का समय कब रह जाएगा सर? एक मिनट जो झूठ बोलने का काम करते हैं, माफी मांगनी चाहिए, गुमराह करने का, किसानों से माफी मांगनी चाहिए। पोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खुल चुकी है और प्रदेश की जनता जागरूक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान आपका लग जाएगा। सूखना साफ हो रहा है, एक मिनट साफ हो रहा है, जो कहना चाहते हो ना,
कैराना चिल्लाता है झूठ बोलते हैं कैराना क्या सच नहीं है डीएनए में झूठ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई आदमी सच बोलता मुजफ्फरनगर दंगा सच नहीं है कैराना सच नहीं है अंदर कोई एक आदमी सच नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या अरे आपने दिल्ली में कहा था आप जाइए हम एमएसपी पे कमेटी बना देंगे बन गई कमेटी एमएसपी मिल गई आपने केंद्रीय बजट में खेती का बजट घटा दिया मनरेगा का बजट घटा दिया क्या दिया किसान को धोखे के अलावा मैंने बताया किसान को कुचलने का काम किया मैंने आपको बताया ना देश और प्रदेश की जनता और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान मजदूर आपको इन सारे सवालों के जवाब दे देगा आप लोग प्रदेश के किसानों को नौजवानों को जो किसान को मजदूर को कुचलने का काम करती है उनकी हत्या कराने की साजिश करती है और एक वो पार्टी है जो किसान और मजदूर को बचाने का काम करती है का नौजवानों का सम्मान किया है आप लोगों को भी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई थी इसलिए आप किसानों नौजवानों की दुकानें तो तुमने चलवा दी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं तुमने सिखा दिया जनता आपको आंदोलन किया चढ़ के आप इंतजार कीजिए कल का पहले चरण का मतदान किसान से डर के दिलों समझ नहीं आ रहा है कुछ समझ नहीं एक मिनट प्लीज इस तरह से चर्चा नहीं एक एक करके त्यागी जी आराम से सत्ता में आप लोग प्लीज एक एक करके मैं इतनी देर होगी राघवेंद्र दुबे जी और अभिमन्यु जी को कार्यक्रम में नहीं ले पाया प्लीज राघवेंद्र दुबे जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव अब आप भी दावे कर रहे हैं सब कुछ चांद तारे तोड़ के दिला देंगे किसानों के लिए सब कुछ कर देंगे यानी कि सारी की सारी फसलों पर एमएसपी देंगे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया देखिए कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ है हमने पहले भी किसानों के लिए चाहे सिंचाई मुक्त का काम किया हो किसानों का बीमा का काम किया पहले किया हमने उसको सारा किया इनकी तरह नहीं हमने इन्होंने जो हमने माफ करना था ब्याज वो भी हमने उन पर कर्ज था वो माफ किया था सपा सरकार में लेकिन जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र था ये बताया कि इन्होंने उस पर कितना किया अभी इनसे जब पूछा जा रहा है कि 10 मार्च को जनता जवाब देगी 10 फरवरी को जनता जवाब देगी अरे जनता तो आपको जवाब देगी आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि हरियाणा आपका ही राज्य है जहाँ सरकार है वहां से 16 गुना ज्यादा महंगी बिजली यहाँ मिल रही है इसका मतलब है अब आप फ्री करने जा रहे हैं या आदि करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों से इतना ज्यादा पैसा वसूलते रहे अभी तक ज्यादा वसूलते रहे सब देश के लोगों से जब सपा सरकार ने जब अखिलेश यादव जी ने अभी बोला समाजवादी पार्टी की ओर से कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जनता को तब जाकर के इन्होंने कहा कि अब बिजली के लिए तब इन्होंने कहा तो 5 साल तो आपने जनता को लूटा 5 साल लूटने नहीं 2012 से 17 तक जब आप सत्ता में थे आपने किसानों को बिजली क्या रेट दी सुन लीजिए देखिए सुन लीजिए सुनने का बात रखिए आपने तीन कृषि कानून आपने किसानों पे लादे अब जब 700 किसान शहीद हो गए इसके बाद आपने उनके अपनी जिद में किसानों को मरवा दिया 700 किसान से ज्यादा शहीद हो गए जब वो शहीद हो गए जब बहुत ज्यादा दबाव उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई तपस्या का मतलब कितने लोगों की आप शहादत चाहते थे किसानों की इतने किसान मर गए इसके बाद आपने उसको वापस लिया ये हठ धर्मी सरकार है और किसान अब इनको जवाब देने वाला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने देखा किसानों के लिए इन्होंने वही किया कि एक गृह मंत्री जो पूरे देश की रक्षा करने का जिसका दायित्व है उसका बेटा मजे मजे में किसानों के ऊपर कार चढ़ा देता है और उनको मार देता है और उसको हटाया नहीं जाता ये आपकी वही सरकार है ना आपकी वही सरकार है किसान विरोधी सरकार है संजय जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ राघवेंद्र जी चलिए आपको बीजेपी का घोषणा पत्र अच्छा नहीं लगा आपने कहा हमने सोच समझ कर अपना घोषणा पत्र बनाया हमने किसानों के हितों में बनाया किसान हमारे साथ खड़े हैं हम किसान आंदोलन में भी साथ खड़े थे और जाट और मुसलमान एक साथ हैं और इस बार जो है किसान हमारे पक्ष में वोट डालेंगे लेकिन ये तो बताइए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा लगा आपको देखिए अब मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा सबको लड़ना अपना अधिकार है लेकिन आप बीजेपी को कोसेंगे मतलब आप कांग्रेस को मतलब कांग्रेस आपके लिए सीरियस क्यों लेते हैं कांग्रेस को आप देखियो सीरियस देखिए
जो भी लड़ता है सब सीरियस है, हम किसी को ये नहीं है कि जब चुनाव में जाते हैं तो सभी सीरियस, हम सबको सीरियस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी अभी बीजेपी है केवल। अच्छा, मुख्य प्रतिद्वंदी में बीजेपी है और हमारा मुकाबला सीधा सीधा है, और अब की बार इनका सफाया कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आपके पास कोई सवाल नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने इतना बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में सबको कर्ज मुक्त कर देंगे, और उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, चर्चा इनकी करना चाहते जो सत्ता में लोग हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और इन्होंने जो अभी बहुत सारी बातें करी, अब इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, आपको याद होगा, के लेखपाल भर्ते, मतलब काम दमदार ऐसा कुछ लिखते है ना, ईमानदार ऐसे करके लिखा लिखा लेखपालों की इतनी भर्ती हुई। जब इन्हें पता लगा कि ये तो सपा सरकार में, हमारी सरकार में तो लेखपालों की भर्ती ही नहीं हुई, सपा सरकार में हुई, तो उन्होंने वो ट्वीट फिर डिलीट किया। ये ऐसे लोग हैं, कभी तो कभी 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 बंगाल का दिखा देते हैं, कभी चाइना का एयरपोर्ट दिखा देते हैं, तो झूठे लोग हैं। जाट के ठाट अभी देखेंगे, अब रुकिए मैं पूछूंगा मलिक साहब से। लेकिन अभी मन्नू त्यागी जी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आपके सामने राघवेंद्र जी ने बोला, क्योंकि हम उनको सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके लड़ाई में नहीं है, पिक्चर में नहीं है। और लेकिन आप भी किसानों को लेकर दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो फिर किसान कंफ्यूज हो जाएगा, जाए तो जाए कहां, है कि नहीं? अभिमन्यु जी, आपको वोट क्यों दे किसान? पहले तो किसान कहीं से भी कंफ्यूज नहीं है, ना पहले था। किसान अन्नदाता है, सबको अन्न खिलाता है, किसान कभी भी कंफ्यूज नहीं रहा। हम बात करना चाहते हैं क्योंकि सत्ता में भाजपा है, हमारे सपा के साथी दुबे जी ने सही बात कही थी, चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, चुनाव ही इनके खिलाफ है। हाँ, तो हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार, भाजपा का डीएनए कैसे किसान विरोधी है। 2014 में जब ये सत्ता में आए तो मई में इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लगातार 3 अध्यादेश लाने की कोशिश करी कि जिससे कि उनकी जमीन छीन ली जाए, लेकिन किसानों ने उस पर भी आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। इसी तरह इन्होंने राज्यों से वो अधिकार छीने जिसमें 150 रुपए के हिसाब से गेहूं और धान पर दाम बढ़ता था। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया कि लागत का ये 50% मूल्य नहीं दे सकते, अपने हाथ खड़े कर लिए। और बावजूद इसके ये इस घोषणा पत्र में जो इन्होंने अभी 2022 के चुनाव के लिए दिया है, इसमें ये दुगनी आमदनी और आय के बारे में बात कर रहे हैं किसानों की। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कृषि बीमा की वसूली का काम दे दिया, 1300 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों के वसूल लिए और कहीं पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इसी के साथ 12% जी जीएसटी टैक्स इन्होंने ट्रैक्टर और कृषि उत्पादन पे लगा दिया। अभिमन्यु त्यागी जी, वो तो सब अपना घोषणा पत्र में बता रहे हैं ना, आप हर मंचों पर बता रहे हैं, यानी आप मान रहे हैं कि लड़ाई जो है वो सपा और बीजेपी के बीच की है। देखिए, हम लड़ाई विचारधारा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब हम कह रहे हैं विचार है जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सपा अपनी लड़ाई लड़ रही है, बसपा अपनी लड़ाई लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हम बात कहना चाह रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो धर्म के बाद अब जाति की बात करने लगा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि कुछ संत भी हैं, महाराज हैं, वो कहने लगे हैं कि उनको अपनी जाति पर गर्व है, उसी जाति में भगवान पैदा हुए हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है, ये धर्म और जाति की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन में किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, झारखंड वाले तो अभी भटक रहे हैं बेचारे। छत्तीसगढ़ की बात करें जी हम, वो थोड़ा बेहतर रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में सरकार है, झारखंड में तो दावा करके आए थे। झारखंड में किया क्या? झारखंड की बात ना करूं, आप भी त्यागी जी की तरह कह रहे हैं कि बिजली की बात मत करो मेरे से। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे, अगर कहीं हम तो वहां की बात कर रहे हैं जहां पूर्ण तौर पर हमारी सरकार है। अच्छा, मतलब ड्राइविंग सीट पर आप नहीं बैठे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी की झारखंड में नहीं चलती आपकी कह रहे हैं। झारखंड में नहीं चलती राहुल गांधी जी की? आवाज चली गई क्या त्यागी जी? नहीं, हमें आवाज आ रही है आपकी पूरी, लेकिन वो घोषणा पत्र यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए ऋण माफी का, जहां तक झारखंड की अन्य प्रदेशों की बात है, मैं आपकी बात पूरी बात ना करूं तो उसकी टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है तो मैं क्या बोल दूं उस बारे में, मुझे जानकारी नहीं है। ओके, तो मलिक साहब अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ।
क्योंकि कहानी माफी होनी चाहिए ये कहना है वादा करने के बाद। कहानी यहीं से शुरू होती है। मलिक साहब आप मुझे एक बात बताइए ना, इस बात की क्या गारंटी कि किसान इस बार जाति और धर्म में नहीं बटेगा? मेरे सवाल को गंभीरता से समझिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बहुत बड़ा सवाल है कि जाति और धर्म में किसान नहीं बटेगा, इस बात की क्या गारंटी? तिलक चावला जी, यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो लाभ लिया 2013 के दंगे का, वो अब लोग भूल चुके हैं। ये लोग बार बार उसको याद करते हैं, लेकिन ये जितना याद करते हैं लोग उतना ही उसको भुलाने का प्रयास करते हैं। और जब मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, वहां पर अल्लाह अकबर हर हर महादेव के जब नारे लगे, तो ये लोग उसी दिन घबरा गए थे और ये समझ गए थे कि अब कुछ नहीं होना। हम इनसे पूछते हैं, आपने हमसे वादा किया 17 में कि आपकी आय दुगनी होगी, लेकिन हमारी आय एनसीईआरटी के आंकड़े के अनुसार 35-40% माइनस में चली गई। किसानों की लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही है। किसान को क्या दिया इन्होंने पूरे कार्यकाल में 10 पैसे किलो, अब लास्ट में अब आके इन्होंने 25 पैसे किलो फिर दिया। चीनी का रेट कहां चला गया? मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों में 10,000 करोड़ से अधिक चीनी मिलों ने कमाया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का साया, तुष्टिकरण का साया नहीं दिखाई देगा इस बार चुनाव में। देखो, लोगों को चाहिए विकास, वोट करेगा, लोगों को चाहिए विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पे भुगतान। जब आपको मौका दिया, जो ये वेस्टर्न यूपी के जाटों पर निगाह जमाए हैं, 2017 में 77% जाटों ने इनको वोट दिया, 2019 में 91% जाटों ने वोट दिया। इन्होंने क्या किया? कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। अब सब लोग समझ चुके हैं ये डर पैदा करके। नहीं नहीं, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, आप भी तो देखिए ना, 36 बिरादरी देखो तिलक जी, नहीं 36 जी, आप मुझे बताइए कि आप खुले तौर पर एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि भैया नहीं, हम तो नाम भी नहीं लेंगे, बीजेपी को वोट की चोट देंगे, दूसरी तरफ आप जो चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है तिलक जी, मेरे को 30 सेकंड बड़े ध्यान से सुनना, जो आपका क्वेश्चन है इस जनता का है, सबको एक सटीक जवाब मिलेगा। एक तरफ वो पार्टी है जो किसानों को कुचलना चाहती है, उनकी हत्याएं कर रही है, उनको दबाना चाहती है, उनके अधिकार छीनना चाहती है, और एक तरफ वो पार्टी है कि जब किसान को दबाया जाता है, कुचला जाता है और उसको मारने का प्रयास किया जाता है, तब उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो किसान उसके साथ जाएगा, इनके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, अच्छा राष्ट्रीय लोकदल की ठेकेदारी साथ जा रहा है, मतलब किसान नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल को जितवाने की ठेकेदारी ले ली है। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, गठबंधन के साथ है, क्योंकि जब संकट आया था, चाहे वो लखीमपुर में संकट आया हो, चाहे गाजीपुर में आया हो, दोनों जगह जयंत चौधरी गए और उनके साथ खड़े होने का काम किया। ओके, राघवेंद्र दुबे, फिर उसके बाद संजय त्यागी जी, आपके पास आ रहा हूं, पूरा वक्त आपको दूंगा, लेकिन राघवेंद्र दुबे जी, क्या वाकई किसान आंदोलन का फायदा मिलेगा क्या सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को, जिसका जिक्र किसान कर रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन का फायदे की बात नहीं है, बात यह कि उन्हें प्रताड़ित कितना किया गया। किसान जब आंदोलन कर रहे थे, अपने हक के लिए बात कर रहे थे, तब ये क्या कह रहे थे? उनको कह रहे थे पाकिस्तानी, उनको खालिस्तानी बोल रहे थे, उनको आतंकवादी बोल रहे थे, उनको कह रहे थे ये क्या नाम है, विदेशों से फंड लेकर के काम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आतंकवादी पोषित हैं। तो ये इस तरीके के शब्द इनको बोले गए, परजीवी बोला गया, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, ये भाषा थी इन लोगों की, क्या क्या उनको नहीं कहा गया, क्या क्या उनका मतलब अपमान नहीं किया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया उससे ये सब थपा है, सबका अपना सम्मान होता है, उनके किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोग शहादत देने वाले किसानों के प्रति आपका एक ट्वीट नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं कहा, आप हर चीज पे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री जी हर चीज पे ट्वीट करते हैं, लेकिन इसके लिए एक ट्वीट नहीं आया इनका। तो लगातार जब किसानों को आपने खुद स्वयं उनको इतना अपमानित कर दिया कि जब वो किसान 700 से ज्यादा मर गए, 703 किसान मरे, इसके बाद आपने उसको वापस लिया,
आप पहले ले सकते थे, आपके देश के ही नागरिक थे, आपके ही लोग थे, आपको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र की सत्ता आपको सौंपी थी, आपको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और जहां तक ये किसानों के बहुत बड़े पैरोकार बन रहे हैं, इनको पूछो कि किसानों को आप यूरिया तक नहीं मिली, किसानों की जो बोरी 50 किलो की थी उसको 45 किलो की कर दी, 5 किलो की बोरी में चोरी किसने करी, बीजेपी ने करी। तो इन्होंने जब लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण का ये कहते ना, काट के हंडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने पिछली बार जिस तरीके से सामाजिक समरसता को नष्ट करने का काम किया, जाटों को मुसलमानों को आपस में जिस तरीके से लड़ाने का काम किया, अब जनता समझ चुकी है कि ये कुछ देने वाले नहीं है। ये आखिरी में आपने देखा कि विकास का कोई काम नहीं है इनसे। अगर पूछ लें बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक काम बता दीजिए जिसको आपने शुरू किया हो और खत्म कर दिया हो, कोई काम इन्होंने एक भी नहीं किया है। तो अब ये केवल क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, कब्रिस्तान करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान करेंगे, तो यही तो करेंगे। जैसे आप दूध के धुले हैं, आप लोग नहीं करते। देखिए हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, हम विकास की बात कर रहे हैं। आपने देखा हमारा जो घोषणा पत्र भी आया, संकल्प पत्र आया, उसमें हमने तमाम बातें करी। जो छोटे किसान हैं उनको 2 बोरी DAP 5 बोरी यूरिया देने का काम करेंगे। तो आजम खान शांति के कबूतर उड़ाते हैं, भरत साहब शांति के कबूतर उड़ाते हैं, आप ये कह रहे हो? जिनको आप टिकट देते हो वो उन्होंने सब शांति के कबूतर उड़ाए जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आरोप जिनके ऊपर आरोप लगे, आपने देखा कि बीजेपी ने कितने नेताओं के ऊपर इतने केस ला दिए, किसी पर चोरी है, किताब चोरी का, बकरी चोरी का, ये किताब लगे, एक एक दिन में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। तो आपको ये पता है कि ये राजनीतिक त्यागी जी जुड़े मेरे साथ, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु जी ये किसानी की समस्या को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित हो गया है, पूरा ध्यान किसानी की समस्या को लेकर। आप कहते हैं ना कि किसान आंदोलन में हासिल क्या हुआ, क्या मिला किसान आंदोलन से, क्या हुआ किसान आंदोलन में? आज भी समस्या जिसकी तस है, पता क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ किसानों को? सबसे पहले पता क्या, मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण देकर कह रहा हूं। आप तीनों राजनीतिक बड़े दल यहां पे मौजूद हैं, जब कोई पूछे ना मलिक साहब कि किसान आंदोलन से आप लोगों को हासिल क्या हुआ, उनको बताइएगा। ये सभी हासिल ये हुआ, ये सभी राजनीतिक दल आज किसानों की समस्याओं को लेकर एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार हो, आज सब तैयार हो गए। और अब सारे लोग बिजली फ्री कर रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश में किसानों की पार्टी, उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार आए किसान को बिजली फ्री मिलेगी, ये लाभ हुआ है। ये जो हमको लूट रहे थे, 2000 रुपए से ऊपर तेल का बिल ले रहे थे, अब फ्री देंगे, ये किसान आंदोलन का लाभ है। अब सब सीना चीर के दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे सीने में तो देखिए प्रभु किसान बैठे हैं, ये प्रभु किसान है, हमारे सीने में चीर के देखिए। अभिमन्यु त्यागी यही हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है ना, और ये होना भी चाहिए। देखिए आप याद है जिस तरह से याद नहीं आता था, हम तो पहले से किसान हित की बात करते हैं, किसानों के लिए योजनाएं हमेशा कांग्रेस पार्टी लाती रही है। अच्छा, जिस तरह से इस सरकार में एमएसपी को भी कानून बना देते, देखिए जो पहले की त्रुटियां रही हैं उसकी वजह से कांग्रेस गई भी, उनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी उन्हीं चीजों को सुधार भी कर रही है, लेकिन हम अपनी गलती को मानने वाले लोग हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश भी रखते हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन ने इस तानाशाही सरकार को घुटने पर लाने का काम किया है और सरकार को मजबूर कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस समय प्रभारी भी है चुनाव के दौरान अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री भी है वो, और गली गली इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले बिजनौर में रैली थी, जो पहली फिजिकल रैली थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, तो वहां चाहे भीड़ की कमी का बहाना हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जा रहा हो, तो हार का क्रेडिट भी माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं लेने जा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली वो अपनी हार भी माने बैठे हैं, वो तो जान भी रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। आपके यहाँ हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे यहाँ तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होने वाला है। कितना बेहतर? बहुत बढ़िया होएगा। कितना बढ़िया? राघवेंद्र जनता के हाथ में है, अब तो जनता के हाथ में है, क्योंकि गैंग जनता के पाले में है। जनता तय करेगी कि वो शोषित की तरफ है या शोषक की तरफ।
कांग्रेस पार्टी तो पीड़ित शोषित की तरफ खड़ी रही है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है, शोषक सत्ता में बैठे हैं। जनता तो तय करेगी, लेकिन एक बात है, मैं को एक छोटे से सवाल का जवाब, फिर संजय त्यागी जी, फिर चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। ये राघवेंद्र दुबे जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? अभिमन्यु त्यागी बोल रहे थे जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी तो इनको जवाब देने का समय है, बीजेपी वाले जवाब दें तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, और उन्होंने जो अभी संकल्प पत्र उनको क्यों माने थे, पूरा झूठा संकल्प पत्र है, पहले वाले ही लागू नहीं हुआ। इन्होंने लैपटॉप देने का वादा किया था, बाद में दिसंबर में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने वो टैबलेट दे के जगह वो भी खराब हो गए, और सब छात्रों को वो भी नहीं मिल पाए। तो ये सरकार इसने कोई काम नहीं किया। ओके, यानी आप कांग्रेस को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। ओके, मेरे को एक बात बताइए संजय त्यागी जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है ना सर आपको? बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे राघवेंद्र दुबे और अभिमन्यु जी, चौधरी साहब तो कह रहे थे कि पता नहीं कहां चले गए। लेकिन त्यागी जी मुझे एक बात बताइए सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए सर, आपका ऑडियो आ रहा। अब ट्वीट मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भाजपा का संकल्प पत्र नहीं, गल्प पत्र है, भाजपा को अपने पिछले भूले बिसरे संकल्प पत्र पर 2 मिनट का मौन भी रखना चाहिए। क्या आप मौन रखेंगे क्या? वो कह रहे थे 2 मिनट का मौन व्रत रख लेना। देखिए अखिलेश, मान्य अखिलेश यादव जी को ये भी बता देना चाहिए था कि 2012 से और 17 तक जब वो थे प्रदेश में सरकार में, तो 1234 करोड़ रुपया हमने उनकी तरह सफाई महोत्सव पे खर्च नहीं किया। ये तो 2012 से 17 तक का बात है, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है चावला भाई, तो मैं जल्दी से एक एक करके इनके बातों का जवाब दूंगा। रही बात दूसरी, कांग्रेस को सीरियस कांग्रेस की रही रही, कांग्रेस ने इतना, वो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि छाछ तो छाछ छन्नी भी बोले, जिसमें भारत नेता ने जो प्रेरणा गांधी जी है, गांधी जी कहूं, वाड्रा जी कहूं, या प्रियंका क्या कहूं मैं, जो इनकी महासचिव है, वो एक नारा उत्तर प्रदेश में बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और इनकी जो पोस्टर बोई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका मौर्य, वो भी मैं रही बात हमारे एक तथाकथित किसान भाइयों की, ये जो अपने आप को स्वयंभू बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बार बार पुनः कह रहा हूँ कि अब फर्स्ट चरण में कल मतदान हो रहा है, उसके शाम को जब रुझान आएंगे तो इन्हें नींद नहीं आने की पूरी। जो कथित किसानों के नाम पर इन्होंने और नौजवानों के नाम पर सुपारी लेने का काम किया है, प्रदेश की जनता जागरूक है, इसका जवाब इन्हें रिजल्ट के रूप में 10 मार्च को मिल जाएगा। और 10 फरवरी कल मतदान होने जा रहा है, 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही ऑलरेडी हैं, तो ये झूठ और तथ्यविहीन राजनीति ना करें। कृपया करके गुमराह करने का काम एक बात बताइए छोटी सी, ये कौन सी घुंटी आप लोगों को पिलाते हैं कि सब लोग एक सुर में झूठ बोलना जान जाते हैं? कौन सी घुंटी है वो? देखिए झूठ बोलने का काम आप करते हो, भारतीय जनता पार्टी केवल तथ्यों की आधारित बात करती है। आप सच पूछा है, अरे सच बताइए कि गन्ना मंत्री अपना भुगतान करा पाए पिछले वर्ष का, बता दीजिए। अगर प्रोसेस में है कोई चीज, अगर प्रोसेस में है तो 5 साल में प्रोसेस में अगले 5 साल और रहे, जवाब दूं तो आपको क्यों मौका दे? आप ये बताइए उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्यों मौका दे, जब आप करने में सक्षम नहीं हो तो क्यों मौका दे? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता, मैंने बताया ना 30 वर्षों का हिंदू मुस्लिम करने के लिए उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था। अरे योगी आदित्यनाथ होने जा रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जवान नहीं है, मजदूर नहीं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका विश्वास, आपके और जो 100% लॉयल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ सवाल की, मुझे पतंगों की किराना पलायन की, आप लोगों को मिट्टी क्या लगती है? मुजफ्फरनगर किराना दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, कवाल का नरसंहार, दंगा 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 दंगल में बदल गया होगा, दंगा दंगल में बदल गया है। अब युवा, अब युवा आपको देंगे जवाब। ओके संजय त्यागी जी का फ्रेम ठीक करिए, लेकिन एक बात चावला जी, अब का जब त्यागी जी आए, एक विनम्र निवेदन है, ये पूछ लेना
कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्यों वोट दे, आपने कौन से विकास कार्य किए। राघवेंद्र दुबे जी, ये किसानी के मसले पर, किसानी के मसले पर पूरा का पूरा चुनाव आ गया, आपको लगता है कि वो 13 महीने के धरने वाला जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा किसान आंदोलन का? किसानों की बहुत समस्याएं भी है, काफी समस्या, उनकी समस्या सुनना चाहिए, अन्नदाता है वो, और अन्नदाता की अगर बात नहीं सुनेंगे आप, कटधर्मता करेंगे तो कोई भी सरकार बनी रहे। कई किसानों ने बहुत सारी सरकारों को खाद फेंकने का भी काम किया, तो किसानों की आप समस्या नहीं सुनेंगे, किसानों की समस्या सुनना चाहिए। सपा की पहले सरकार थी तब भी, नेताजी जब थे तब भी चुंगी कर वगैरह खत्म करने का काम किया, वो खुद किसान नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह इसी भी उनको कहा गया, उन्होंने किसानों की समस्या के लिए बहुत काम काम किया। अजीत सिंह बहुत सारे मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर क्या बोलते थे, अजीत सिंह क्या बोलते थे? देखिए भूल गया, बहुत सारे लोग बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन जब जो सच्चाई होती वही सामने। आज सब साफ है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, क्या बोलते थे चौधरी साहब, जिस गाड़ी में सपा का झंडा? देखो वो दंगे को लेकर नहीं बोला गया, वो दंगे से पहले का बयान है, दंगे से पहले वो 2000 वो जो है बहुत पहले का बयान है, वो दंगे के बीच का नहीं है। दंगे पर कभी भी चौधरी अजीत सिंह ने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने हमेशा समझाने का काम किया, दोनों जाति को एक साथ लाने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह कभी किसी को भड़काते नहीं थे, लड़ाई नहीं कराते थे। अभी रुकिए ना, चौधरी अजीत सिंह को किसने मुख्यमंत्री बनने से रोका ये भी बता दो मलिक साहब। राजनीतिक वो राजनीतिक मामला था, एक पार्टी के अंदर दो दावेदार थे, चुनाव में वोटिंग हुई, जिसको ज्यादा वोट मिली वो जीत गया, उसको मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा, अब ये तो होता है, अब योगी जी तो जबरदस्ती बन गए थे, नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। अब वो जो पुरानी सब चली गई, लेकिन आप ये देखिए कि चौधरी चरण सिंह की याद ना करूं मैं, चौधरी चरण सिंह की दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत हो, दोनों अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी के हैं, दोनों उनके पोते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की एक विचारधारा है। ये आपको लगता है अभिमन्यु त्यागी, ये पूरी की पूरी सियासी कहानी अगर जो है जिसे सियासी स्टंट माना जा रहा था, तो किसानों का सियासी स्टंट जो झुकाव है वो कम से कम इस डिबेट में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पिक्चर में नहीं है, वो आरएलडी और सपा के नेता के तौर पर। मलिक साहब कह रहे जो भूल गए दूसरी बातें खत्म करो उसको। दरअसल ये जो किसान आंदोलन रहा, ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन था, और ये किसान यहाँ एक जाति नहीं है, 36 बिरादरी है यहाँ। अगर मलिक साहब या आप या भाजपा अगर ये सोचे कि सिर्फ किसानी जाट करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, राष्ट्रीय लोकदल को मुबारक। हम जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं ना, हम जाति बजा रहे हैं। अगर ये सोचते हैं किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल का था तो वो भी इनको मुबारक हो, शुभकामनाएं हमारी इनके लिए। लेकिन जो हम बात कहना चाहते हैं वो ये है कि किसानी करने वाली जो सारी बिरादरियां हैं, जो भी किसान है और मजदूर है, सबकी दिक्कतें समान है। यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का था 45 किलो का मिल रहा है, 5 किलो की चोरी है, वो सभी किसानों के लिए। 36 बिरादरी है भाई, आपके आधार पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को वोट दे दो, 36 बिरादरी। तिलक जी हमने ये कहा जो भी बीजेपी को हराएगा, तो वेस्टर्न यूपी में अधिकतर जगह पर गठबंधन फाइट में है, हमने ये कहा जो भी बीजेपी को हराएगा उसको वोट करो, अगर कांग्रेस कहीं फाइट में होगी तो उसको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन हमने ये बताया कि जब आंदोलन कुचला जा रहा था, जब दबाया जा रहा था, चाहे वो लखीमपुर में हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर हो, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे, लखीमपुर में भी सबसे पहले पहुंचने वाले जयंत चौधरी थे, जो खेतों से प्रियंका गांधी जी को तो जेल में भी रखा इन्होंने। अरे हम ये कह रहे भैया सुनो, सबसे पहले पहुंचने वाले जयंत चौधरी थे, प्रियंका जी जेल में बैठी थी। विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने का काम इस सरकार ने किया, तो ये तो सरकार ही कर रही है ना इस काम को। देखो विपक्ष से क्यों डर रही थी उस दौरान? त्यागी जी ये सच्चाई है कि आप लोगों के यहाँ नीति और निर्धारण की कमी है, फैसले लेने में कमजोरी है, आपके यहाँ 36,000 देवी देवता है, इसलिए आपके यहाँ चुनाव नहीं बन पाता, नहीं उठ पाता है। जो वर्कर होता है उसको साइडलाइन किया जाता है, मेहमान को बैठा लिया जाता है, उसकी दावत की जाती है। मेहमानों को तो राष्ट्रीय लोकदल ने बिठाया हुआ है इस समय।
तमाम बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिए जाएंगे। जो काम नहीं करेगा, मैं भी यही कहने वाला हूं, उसको बाहर बैठाएंगे। आप बताइए, आप धन्यवाद दीजिए कितने अपने लोगों को टिकट दिया, राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ ही करने प्रदर्शन होंगे। मेरठ कैंट से लड़ रही है क्या, वो राष्ट्रीय लोकदल से है क्या? सिवाल खास से लड़ने वाले गुलाम मोहम्मद क्या राष्ट्रीय लोकदल से है? आपने तो तमाम बाहर के नेताओं को भर के टिकट दे दी है, अंदर से अंदरूनी मोहब्बत बाजी आप लोगों की। हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव है, आप अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। त्यागी जी आप गलत पंगा ले रहे हो, हमसे ना बोलो। जिसको आपने ब्रांड एंबेसडर बनाया वही महिला चली गई आपको छोड़ के, जिसको आप कहते थे लड़की है लड़ सकती है, जो महिला ब्रांड एंबेसडर बनाए थे वही छोड़ के चली गई आपको। कौन बचेगा आपके साथ? ऐसी बातें करोगे? हुई अच्छी, कम से कम हमने एक ब्रांड एंबेसडर ऐसा बना दिया जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करा दिया। हम तो चाहते हैं लोग ऐसे बरेली से आपकी जो थी वो टिकट आपने दिया वो छोड़ के सभा में चली गई। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 34% आरक्षण की बात करी, हम स्वागत करते हैं। मातृशक्ति को भी बराबर बैठने का अधिकार होना चाहिए। हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आप मलिक साहब क्या रास्ते भी रहे, पार्टी का अलग विषय है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों को जिंदा रखने का काम हम कर रहे हैं। त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता क्या मलिक साहब, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? नहीं, हम नहीं हो रहे, हमारे तो बड़े भाई साहब है। नहीं, हम तो इन पे... नहीं नहीं, हमारे भी बड़े भाई साहब हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है क्या वो? नहीं, आज तो हमें ऐसे ही लग रहा था भाई साहब ने ज्वाइन कर ली राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा था। ओके, राघवेंद्र दुबे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई में, क्योंकि देखिए त्यागी जी अभी यहाँ पर जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि वाकई में क्या मुजफ्फरनगर दंगों का साया दिखाई नहीं देगा इस बार चुनाव में? वो तो जब से बैठे तब से दंगा 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 कर रहे थे, वो कर दे कराना दंगा कराना दंगा, आप कह रहे कि फर्क नहीं पड़ेगा। चावला जी, आपने देखा होगा कि उनकी सारी राजनीति, क्या पिछली राजनीति देखो या ये देखो, प्रधानमंत्री जी ने भी जब पिछला चुनाव शुरू किया था, जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने वहीं से जो शुरुआत उनकी हुई थी वही कब्रिस्तान संस्थान वहां से शुरू करी, हिंदू मुस्लिम बस वहीं से शुरू। अब की बार भी वही, जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं, घरों घर की बातें करता है। इन्होंने विकास के कार्य की कब कोई बात करें, विकास किया हो तो विकास की बात बताएं, विकास तो किया नहीं है। अब तो ये मंदिर मस्जिद इन्हीं पे लेके जाएंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है, काट के हंडी बार बार नहीं करती है कि आप लगातार, अब जनता पूछेगी, युवा पूछेगा कि जो ये बात कर रहे थे लगातार झूठ बोले। मुख्यमंत्री बोले कि 4 लाख नौकरी दी, सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे कि हमने 1 करोड़ या 2 करोड़ ऐसा कुछ बोला कि उतनी नौकरी दी, दूसरा मंत्री कह रहा हमने 6 लाख में नौकरी दे दी। इनको यही नहीं पता इन्होंने कितनी नौकरी दी। आपने देखा कोरोना काल में एक दिन बोले थे इन्होंने, इनका ऐलान हुआ बकायदा, सब मीडिया ने कवर किया था कि एक दिन में 1.25 करोड़ नौकरी देंगे। अब इनसे पूछ लो वो नौकरी कहाँ चली गई भाई, आप अब 4 लाख बताने लगे तो वो नौकरी कहाँ चली गई। इसी तरीके से आपने देखा हो केंद्र सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष की नौकरी की बात की थी, 7 साल उनको भी हो गए, 14 करोड़ नौकरी मिलने की जगह 14 करोड़ नौकरी चली गई लोगों की। तो ये सरकार ने जितना झूठ बोला है, युवाओं को जहां रोजगार मिलना चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिला। आप भी तो बताइए ना, 2012 का मैं देख रहा था, 2012 में आपने कहा था कि निषाद प्रजापति इनको SC बना देंगे, अनुसूचित जाति में लाएंगे, आप लेकर आए क्या? जब यहाँ से राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव जाता है केंद्र को, उसको पास करना होता है, केंद्र ने उसको किया नहीं, केंद्र ने नहीं किया तो वो मामला लटक गया। बहुत सारी चीजें हमारी इसीलिए लटके कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन हमारा जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब भी तो आप यही कहेंगे। आप भी देखो, हमने सभी जो जिला मुख्यालय थे उनको 4 लाइन से जोड़ने का, 4 लाइन से जोड़ने का काम किया, पुलिस मुख्यालय भव्य बनाने का लखनऊ में काम किया, हमने आगरा से लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना दिया केवल 22 महीने के अंदर, हम उसके किनारे मंडियां बनाने वाले थे लेकिन इन्होंने उसमें भी अड़चन डाल दी, ये आ गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, वहीं की वहीं काम सारा रुक गया। मलिक साहब, किसानी के मुद्दे पर समस्या पे चुनाव होना चाहिए था ना, आप लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं बीजेपी को वोट की चोट देंगे। भाई 27 रुपए किसान कमा रहा है, 27 रुपए, उस पर 44,171 रुपए का कर्ज है, तो ये कर्ज पूरा का पूरा बीजेपी लेकर आई थी क्या? देखो चावला जी, जिन लोगों ने मौका नहीं दिया, किसानों ने सबको आजमाया,
और जिसने मौका नहीं दिया उसको बदलने का काम किया। ये भी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि जिन लोगों को आज किसान साथ दे रहे हैं अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको भी बदलने का काम किया जाएगा। हम लोग तो आशावादी लोग हैं, जब फसल बोते हैं तो बीज बोते हैं, खेत की अच्छे से जुताई करते हैं, निराई करते हैं। ईमानदारी से बोलिए, आज आलू प्याज टमाटर के समर्थन मूल्य की बात की जा रही है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? सिंचाई में फ्री बिजली देने की बात की जा रही है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? जो आज राजनीतिक दल आप लोगों को सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि ये सुनहरे सपने हैं जो चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे? नहीं, तिलक जी इनमें बहुत सारी चीजें सच्चाई हैं। और मैं आपको बता दूं, पंजाब के किसान को सभी फसलों पंजाब के किसान आप जानते ना कितनी फसलों पर एमएसपी मिलती है मौजूदा वक्त में? आप सपा ये कह रहे हैं, राघवेंद्र दुबे कह रहे हैं कि हम सभी फसलों पर एमएसपी दे देंगे, क्या ये प्रैक्टिकल हो जाएगा? तिलक जी, कुछ चीजें गोलमोल होती हैं, 23 फसलों पर एमएसपी की वो होती है, तो ये भी 23 फसलें ही पैसे देंगे सभी का मतलब होता है। बाद में क्या होगा, ये बोल देंगे कि जो एमएसपी तय है वो 23 फसलें हैं उन्हीं पर देंगे। अभी मेरी बात सुनिए मलिक साहब सुनिए मेरी बात। अरे एक बार जवाब ले लीजिए तिलक जी, छोटा सा जवाब। मलिक साहब, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ आपको, जवाब मैं आपको दूंगा, कई शंकाएं दूर हो जाएंगी। एक सेकंड, पंजाब के अंदर बिजली फ्री मिल रही है, वहां से इन्होंने पंजाब से बिजली वाला सिस्टम उठाया है, 300 यूनिट वाला इन्होंने दिल्ली से उठाया है, जो पेट्रोल और डीजल फ्री करने वाला है वो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, वहां से उठाया है। और आपको बता दे, बंगाल के अंदर स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम ममता बनर्जी कर रही है, ये वहां से उन्होंने, और पेंशन वाला भी वहीं से उठाया है, जो पुरानी पेंशन पानी का है कल की सरकार दे रही है। तो ये कोई चीजें संभव नहीं है, बरसाते इनका मन हो काम करने का, इच्छा शक्ति हो और ये काम करना चाहते हो। बाबा टिकेत कहते थे ना, 100 की लड़ाई है 25 ले लो, अगले 75 के लिए लड़ो, यही समझाते थे ना। तो अब की बार लड़के बिजली तो फ्री मिली गई किसान को। अभी अभी सुनिए तो सही मलिक साहब, अभी तो बहुत कुछ फ्री दे देंगे ये। बैठे हैं राघवेंद्र दुबे जी, अभी मन्नू त्यागी जी और बीजेपी वाले, अभी उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन मैं वो 13वें प्रवक्ता हैं आज जो भागे हैं, 13वें हैं बीजेपी के मेरे सामने, नहीं 13 लोग अभी जा चुके हैं आज तक। मलिक साहब मैं ये कह रहा हूँ कि राघवेंद्र दुबे और अभी मन्नू त्यागी अब अगली बार जुड़ेंगे, दूसरे त्यागी, तो उनसे भी करवा लीजिएगा एफिडेविट साइन करवा लीजिए, एफिडेविट दाखिल करवा लीजिए कोर्ट में, ये सब मुकर जाएंगे चुनाव के बाद। देखो तिलक जी, ये जनता है सब जानती है, अगर मुकरेंगे तो फिर इनको मुकर देंगे। अभी ढाई साल है, झूठे मैनिफेस्टो नहीं लाती है एफिडेविट दाखिल, अभी ढाई साल बाद फिर चुनाव मिलकर तय कर लेंगे जब सत्ता में आ जाएंगे हम। देखो तिलक जी टाइम आपका समाप्त होने वाला, दो चीजें बोलूंगा। कांग्रेस ने एक बार ऐसा किया था, इन्होंने कहा था और संपूर्ण देश का किसान का कर्ज माफ किया था, सपा सरकार ने किसान को पानी की बात की थी, मैं 2 मिनट ऊपर चला गया, जिसमें नहर का पानी और सरकारी नलकूप का पानी आज भी फ्री मिल रहा है। बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए, त्यागी जी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मुद्दे पे बात हुई, राघवेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप देखते हैं आखिरकार किसका परचम लहराएगा, क्या किसानी मुद्दा बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का मतदान होना है, अगर आप वोटर हैं तो वोट जरूर डालिएगा। तो ये थी मतदान के पूर्व संध्या के दिन की सियासी चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।